देश भर में सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर घोटालेबाजों में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन इस बार छापेमारी एक हैरान कर देने वाले केस में हुई है। जी हाँ, सीबीआई के हत्थे एक ऐसा घोटाला चढ़ा है जिसके खुलासे से न सिर्फ आरबीआई बल्कि मोदी सरकार के भी होश उड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में एक सरकारी बैंक को ही लूट लिया गया है। न डाका डाला गया, न चोर बैंक में घुसे, बल्कि शातिर तरीके से 820 करोड़ की हेरा फेरी हो गई और इस घोटाले में बैंक धारकों के मजे आ गए। खुलासा हुआ तो जांच अधिकारी भी सन्न रह गए। तो क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो IMPS ट्रांजैक्शन मामले में सीबीआई ने दो राज्यों के 67 जगहों पर छापेमारी की है। ये ट्रांजैक्शन एक दो रुपए के नहीं बल्कि 800 करोड़ से ज्यादा का है। सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस जब्त किए हैं। यूको बैंक और IDFC से संबंधित 130 दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 40 मोबाइल फोन, 2 हार्ड डिस्क और एक इंटरनेट डोंगल जब्त हुई है। ये ट्रांजैक्शन यूको बैंक के अलग अलग अकाउंट से किए गए हैं। नवंबर 2023 में इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जांच के दौरान 8000 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला 853,490 से ज्यादा IMPS ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। सभी ट्रांजैक्शंस बीते साल 10 नवंबर से 13 नवंबर 2023 के बीच किए गए थे। इसमें बताया गया कि 7 प्राइवेट बैंकों के 14,600 अकाउंट से गलत तरीके से यूको बैंक के 41,000 अकाउंट होल्डर्स के खाते में IMPS ट्रांजैक्शन किए गए थे। कौन कौन इस घोटाले में शामिल है, इसी का पता सीबीआई छापेमारी से लगाया जा रहा है। आगे कुछ बताएं, उससे पहले ये बताते हैं कि क्या है IMPS ट्रांजैक्शन। IMPS यानी तत्काल भुगतान सेवा। IMPS सर्विस से लोगों को इंटरनेट और कोर बैंकिंग के जरिए पैसा तुरंत ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। रियल टाइम लेन देन होने के कारण ज्यादातर लोग इस पेमेंट सर्विस का ही इस्तेमाल करते हैं। इस सर्विस के जरिए रकम ट्रांसफर करने के लिए बैंक की ओर से एक लिमिट भी सेट की जाती है। लिमिट सेट होने पर ज्यादा रकम का लेन देन नहीं होता है। जिस तरह से इस केस में खुलासे हो रहे हैं उससे तो जाहिर है कि अंदर के लोगों ने भी करोड़ों के खेल में मदद की होगी। बड़े लेवल तक पैसों के बंदरबांट की आशंका है। खैर, सीबीआई सारे आरोपियों को खोद निकालेगी। सीबीआई के मुताबिक राजस्थान और महाराष्ट्र में छापेमारी उन लोगों पर केंद्रित थी जिन्होंने यूको बैंक IMPS लेन देन में पैसे प्राप्त किए और बैंक को वापस नहीं किए। इससे पहले दिसंबर 2023 में भी कोलकाता और मैंगलोर में निजी व्यक्तियों और यूको बैंक के अधिकारियों से जुड़े 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। अब ये घोटाला है या फिर गड़बड़ी, इस पर जल्द खुलासा होने वाला है। कहां से पैसा ये आया, कैसे आया, किसने लुटाया, सीबीआई इस बात की जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी घोटालेबाज मछलियां जाल में फंसने वाली हैं। वहीं सरकारी बैंक के शेयरों पर भी सीबीआई की छापेमारी की खबर पर असर पड़ा है। खैर, अब असर घोटालेबाजों की जेब पर भी पड़ने वाला है। तो इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।